नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरो थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे क्यों बनती है एसिडिटी, क्या ऐसी गलतियां करते हैं जो हमको बार बार एसिडिटी बनती है, क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हम एसिडिटी से परेशान होते हैं। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं, क्या होती है एसिडिटी। आज एसिडिटी एक बहुत आम समस्या बनती जा रही है। हर तीसरे व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिसके कारण से वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसको दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन दवाइयां खाने के बाद भी उसको एसिडिटी में कोई आराम नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से बहुत व्यक्ति परेशान हो चुका होता है। और ऐसा बार बार होता है, और इसके कुछ कारण हैं, आज उसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखा जाता है एसिडिटी जिनको भी होती है, उनका सबसे बड़ा कारण होता है वो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले तला हुआ ज्यादा खाते हैं, फ्राइड खाना, ऑयली खाना, स्पाइसी खाना, इस तरह का भोजन ज्यादा पसंद करते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। और देखा जाता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ऐसे लोगों को भी एसिडिटी की ज्यादा समस्या रहती है। पानी कम पीते हैं, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को एसिडिटी की ज्यादा समस्या रहती है। और जिसको भी एसिडिटी रहती है दोस्तों, देखा जाता है कि उसको कई बार तो उबकाई आती है, ऐसा लगता है कि जो खाना है वो वापिस आ जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, छाती में जलन जिसे हम चेस्ट बर्निंग सेंसेशन कहते हैं, हार्ट बर्न होता है, जो हमारा फूड पाइप है उसमें जलन होती है, और ये वाला जो एरिया है हमारे पेट का, ये अपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ सीवियर एसिडिटी होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि तेजाब से जल रहा है, जरा सा कुछ खा लिया आदमी ने तो तुरंत एसिडिटी बन जाती है। और एसिडिटी कई बार इतनी ज्यादा होती है कि जरा सा खाना खाते ही वो नीचे नहीं उतर रहा होता, वापस मुंह के रास्ते आने का प्रयास करता है, मुंह में खट्टा पानी आता है, और कई बार जब वॉमिटिंग होती है तो बिल्कुल खट्टा जैसा, कड़वा जैसा मुंह हो जाता है। ये सब एसिडिटी होने के कारण होते हैं। तो अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो आज कुछ ऐसे पॉइंट अगर आप अपने घर पर करेंगे तो आपकी एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो आइए जानते हैं कौन से वो ऐसे छोटे से पॉइंट जो आपकी सालों की एसिडिटी को भी ठीक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, पेशेंट को कुर्सी पर या स्टूल पर किसी भी चीज पर आप बिठा सकते हैं, और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, वहां थोड़ा सा हमें पाउडर इस प्रकार से लगाना है, दोनों साइड लेफ्ट और राइट, और अपने हाथ से अंगूठों से इस प्रकार से प्रेशर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स। पहले लेफ्ट साइड करना है 20 टाइम्स, फिर राइट में 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप नीचे लेट जाइए, नीचे लेटने के लिए कहना है सिर उधर करो, पैर इधर करो, लेट जाएंगे, पैर के नीचे तकिए लगाना है, दो तकिए लगा सकते हैं, लगाइए इस प्रकार से तकिए लगाने, और हमें पेशेंट के पैरों की साइड बैठना है, अपना हाथ, दोनों हाथ इस प्रकार से रखने हैं, यहां पर 6 सेकंड दबाना है, फिर बीच में 6 सेकंड दबाना है, और नीचे वाले पॉइंट पर 6 सेकंड दबाए, यानी कि 3 पॉइंट्स में हमने दबाया, ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसा हमें फिर दोबारा से दूसरा राउंड करना है, 6 सेकंड दबाया, फिर 6 सेकंड दबाया, फिर यहाँ पर 6 सेकंड दबाना, ये 2 राउंड हुए, फिर तीसरे राउंड में भी इसी प्रकार से करना है, 6 सेकंड यहाँ दबाया, 6 सेकंड यहाँ दबाया, दोनों हाथों से समान प्रेशर देना है, यहाँ दबाया, फिर ये 4th राउंड, 6 सेकंड यहाँ दबाना, 6 सेकंड यहाँ दबाना, और 6 सेकंड हमें यहां दबाना है, 4 राउंड, ये 5वां राउंड, इस प्रकार से करते जाना है, हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए इसका विशेष ध्यान रखना है, और ये हमारा 6ठा राउंड, हर बार 6 सेकंड प्रेशर, ये 6 राउंड हुए, यानी कि 18 पॉइंट में हमने ये ट्रीटमेंट करना है। फिर ये पेशेंट की लेफ्ट लेग है, इस पर हमें अपना हाथ इस प्रकार से रखना है, यहां 6 सेकंड दबाना है, फिर यहां बीच में 6 सेकंड दबाना, और ये नीचे वाले पॉइंट पर 6 सेकंड दबाना, घुटने से ऊपर प्रेशर रहे, घुटने पर प्रेशर ना रहे, फिर ये 2रा राउंड, 1 राउंड में 3 पॉइंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा,
ये दो राउंड हुए और ये हमारा तीसरा राउंड। यहां 6 सेकंड दबाना, यानी कि 1 2 3 ये एक राउंड हुआ, 4 5 6 दो राउंड, 7 8 9 तीन राउंड, यानी कि 9 पॉइंट में ये ट्रीटमेंट हमें करना होता है। दोस्तों अगर आपको एसिडिटी रहती है तो आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी है, आपको दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो केवल ये ट्रीटमेंट करने मात्र से, बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लाभ बहुत जबरदस्त हैं। आपको करने के तुरंत बाद ही एसिडिटी में बहुत आराम आएगा। साथ में आप कुछ सावधानी रखें, खान पीन का परहेज रखें, जैसे कि मैंने बताया आपको मैदा और मैदा से बनी चीजों का सेवन नहीं करना है, आपको खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है, आपको चाय कॉफी नहीं लेनी है, आपको बाहर का खाना डिब्बा पैक भोजन नहीं खाना है, आपको नॉनवेज नहीं लेना, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, आपको ड्रिंक नहीं करनी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही आपकी एसिडिटी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। आप पानी ज्यादा पिए, हेल्दी फूड्स खाएं, खाना हल्का लें, लाइट खाना लें, जिसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। और जब ज्यादा एसिडिटी हो तो आपको एक बात बताता हूं, आप उस समय पर ठंडा दूध पीजिए। जब हम ठंडा दूध पीते हैं तो जो हमारे पेट में एसिड बन गया है, जो हमारी बॉडी में तेजाब की मात्रा ज्यादा हो गई है, वो शांत हो जाती है और आपको इमीडिएटली दूध पीते के साथ ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन वो दूध फीका होना चाहिए, ठंडा हो और फीका हो, तो आपको बहुत लाभ करेगा। आप ये 2 से 3 बार प्रयोग करके देख सकते हैं। आप वॉक करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, पानी ठीक मात्रा में पिए, तो निश्चित ही आपकी एसिडिटी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।